स्वागत है दोस्तों आज के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले बेस्ट फोन अंडर 60,000। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट कैमरा और साथ ही में एक अच्छे परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन अंडर 60,000 ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो का पूरा देखते रहे, क्योंकि आज के इस लिस्ट में मैंने 3 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन इंक्लूड किए जो आपके नीड्स और आपके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सबसे अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आती है। मुझे एक बेस्ट कैमरा फोन अंडर 60,000 लेना है जिससे मैं एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकता हूँ, नहीं मुझे एक बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग फोन अंडर 60,000 चाहिए और साथ में मुझे तो एक बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन अंडर 60,000 चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के लिस्ट में मैंने उस 3.5 बेस्ट स्मार्टफोन पिक किए सिर्फ आपके लिए। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि इन तीनों स्मार्टफोन में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी स्मार्टफोन निकल कर आती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन सारी स्मार्टफोन की परचेस लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया, तो आप जाकर वहां से भी इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के लिस्ट का सबसे पहला स्मार्टफोन के बारे में। और आज का हमारे लिस्ट का सबसे पहला स्मार्टफोन निकल कर आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस। और ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा पावरफुल निकल कर आती है। तो चलिए दोस्तों जाने थे स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और इस डिस्प्ले की सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको क्वाड HD प्लस रेजुलेशन देखने को मिल जाती है, जिससे आपको एक अच्छी इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर। इससे भी अच्छी बात है कि S20 प्लस में हमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल देखने को मिल जाती है, जिससे आपको एक अच्छी अल्ट्रा स्मूथ एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर स्क्रॉलिंग या फिर स्वाइपिंग करते टाइम। इसके साथ ही स्मार्टफोन में सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट निकल कर आती है। प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें सैमसंग की तरफ से आने वाली एक्सिनोस 990 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही इसमें 8GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब चलिए जान लेते हैं स्मार्टफोन की सबसे बड़ी हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में, जो है स्मार्टफोन का कैमरा। और इस स्मार्टफोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें से 12 MP का मेन कैमरा, 64 MP का टेलीफोटो लेंस, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 0.3 MP का डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिल जाती है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें डिजिटल जूम अप टू 30x तक देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात निकल कर आती है। इसके अलावा हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम अप टू 3x, ऑटो HDR और सिंगल टेक मोड देखने को मिल जाती है। वीडियोग्राफी फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन के बैक कैमरे से आप 8K में वीडियो शूट कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात निकल कर आती है कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको 8K वीडियो शूट करने का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। स्लो मोशन वीडियो की बात करें तो इस स्मार्टफोन के बैक कैमरे से आप अपटू 960fps तक स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात निकल कर आती है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में सुपर स्टडी मोड देखने को मिल जाती है, जिससे आप एक स्टेबल फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरे से। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 10 MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है और ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है स्मार्टफोन के डिस्प्ले को। सेल्फी कैमरे के फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें HDR मोड और साथ ही में पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही फ्रंट सेल्फी कैमरे से 4K में वीडियो शूट कर सकते हैं और वो भी 60fps में, तो ये काफी अच्छी बात निकल कर आती है जिन्हें व्लॉगिंग करना पसंद है फ्रंट सेल्फी कैमरे से। बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 4500mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और इसके साथ ही हमें 25W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। और इस स्मार्टफोन की सबसे अच्छी बात यह कि इसमें आपको वायरलेस चार्ज सपोर्ट देखने को भी मिल जाती है। ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल देखने को मिल जाती है, क्लाउड ब्लू, कॉस्मिक ब्लैक और कॉस्मिक ग्रे। और मुझे तो पर्सनली क्लाउड ब्लू कलर काफी ज्यादा पसंद आती है, आपको कौन सी कलर ज्यादा पसंद आती है जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 60,000 ढूंढ रहे थे सैमसंग की तरफ से तो ये गैलेक्सी S20 प्लस आपके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन निकल कर आती है। इसमें आप एक अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट पैनल देखने को मिल जाती है, जिससे आपको एक अच्छी और बेहतर स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाती है। और यदि आप 8K में वीडियो शूट करना पसंद करते तो इसमें आपको 8K वीडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है और साथ ही में आपको 4500mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह कि स्मार्टफोन में हमें डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पर में आपको किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों यदि आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के लिस्ट का दूसरे स्मार्टफोन की तरफ। तो आज का हमारे लिस्ट का दूसरा स्मार्टफोन निकल कर आता है एप्पल का तरफ से iPhone 11। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। डिस्प्ले की बात करते हैं स्मार्टफोन में 6.1 इंच की लिक्विड रेटिना HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करते हैं स्मार्टफोन में हमें एप्पल का तरफ से आने वाला A13 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट निकल कर आती है परफॉर्मेंस वाइज। रैम और स्टोरेज की बात करते हैं इसमें हमें 4GB का रैम और साथ ही में 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो इस स्मार्टफोन में आपको किसी भी तरह के स्टोरेज इशू नहीं देखने को मिलेगी। कैमरे की बात करते हैं स्मार्टफोन में हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिस
जिसमें से 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाती है। और ये काफी ज्यादा पावरफुल कैमरा सेटअप निकल कर आती है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। कैमरा फीचर्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन में हमें HDR मोड, 2x ऑप्टिकल जूम और 5x डिजिटल जूम देखने को मिल जाती है। वीडियो फीचर्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन के बैक कैमरे से 4K में अप टू 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात निकल कर आती है जब आपको 60fps तक शूट करने को मिल जाती है। इसके साथ ही आप फुल HD में भी अप टू 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात निकल कर आती है। स्लो मोशन वीडियो की बात करते हैं, स्मार्टफोन के बैक कैमरे से आप 120fps और 240fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करते हैं, स्मार्टफोन में हमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरे के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसमें हमें HDR मोड, बर्स्ट मोड और साथ ही में पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह कि आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते हुए उसके बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात निकल कर आती है। फ्रंट सेल्फी कैमरे के वीडियोग्राफी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, फ्रंट सेल्फी कैमरे से 4K में आपको 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फ्रंट सेल्फी कैमरे में हमें EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जिससे आप एक अच्छी और बेहतर स्टेबल फुटेज शूट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। और इस स्मार्टफोन में हमें 3110mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ ही 5W का नॉर्मल चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिल जाती है। और ये स्मार्टफोन अप टू 18W तक फास्ट चार्जर सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको ये अलग से खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट आप कलर ऑप्शंस की बात करते हैं, ये स्मार्टफोन आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस में अवेलेबल देखने को मिल जाती है, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, येलो, पर्पल और रेड कलर। और मुझे तो पर्सनली ग्रीन कलर काफी ज्यादा पसंद आती है आईफोन 11 की। आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद आती है जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आईफोन 11 आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप वीडियोग्राफी करना ज्यादा पसंद करते हैं अपने स्मार्टफोन से, या फिर आप एक व्लॉगर और व्लॉगिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आईफोन 11 आपके लिए सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। इसके अलावा भी स्मार्टफोन में हमें एक अच्छी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यदि आपकी प्रेफरेंस है वीडियोग्राफी और साथ ही में फोटोग्राफी, तो आईफोन 11 आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। तो दोस्तों, यदि आप एक 5G फोन अंडर 60,000 ढूंढ रहे थे, तो हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन आप ही के लिए है। और आज के इस लिस्ट का सबसे आखिरी स्मार्टफोन निकल कर आती है OnePlus के तरफ से, OnePlus 8 Pro। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। डिस्प्ले की बात करते हैं, स्मार्टफोन में 6.78 इंच के फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। और जो सबसे अच्छी बात यह कि स्मार्टफोन में भी हमें 120Hz रिफ्रेश रेट पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात निकल कर आती है स्मार्टफोन में आज के दिनों, जिससे आपको एक अच्छी अल्ट्रा स्मूथ एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिल जाती है स्क्रीन पर जब भी आप स्क्रॉल या फिर स्वाइप करते हैं। इसके अलावा इसमें हमें HDR10+ सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। प्रोसेसर की बात करते हैं, स्मार्टफोन में हमें कॉलकॉम की तरफ से आने वाली स्नैपड्रैगन 865 5G चिपसेट देखने को मिल जाती है। वहीं पे रैम और स्टोरेज की बात करें, तो ये स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल देखने को मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट में, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरी 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। इस स्मार्टफोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें 48MP का मेन कैमरा, 8MP का टेलीफोटो लेंस, 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5MP का कलर फिल्टर लेंस देखने को मिल जाती है। कैमरा फीचर्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन में हमें स्मार्ट बेट मोड, नाइटस्केप 3.0, 3x हाइब्रिड जूम और साथ ही में रॉ मोड देखने को मिल जाती है। और वहीं पे वीडियो फीचर्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन के बैक कैमरे से 4K में अप टू 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं, और फुल HD में भी आप 30fps और 60fps दोनों में वीडियो शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन वीडियो की बात करते हैं, स्मार्टफोन के बैक कैमरे से अप टू 480fps तक स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्मार्टफोन के बैक कैमरे से आप टाइमलेस वीडियो भी शूट कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात निकल कर आती है। सेल्फी कैमरे की बात करते हैं, स्मार्टफोन में हमें 16MP का पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है, जिसमें पोर्ट्रेट मोड और HDR मोड देखने को मिल जाती है। और सेल्फी कैमरे के वीडियो फीचर्स के बारे में बात करते हैं, स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से आप फुल HD वीडियो 30fps तक ही शूट कर सकते हैं। और साथ ही में सबसे अच्छी बात है कि इसमें भी हमें टाइमलेस वीडियोग्राफी का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आप बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसमें हमें 4510mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ ही हमें वॉक चार्ज 30T आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। और OnePlus दावा करते हैं कि स्मार्टफोन के चार्जर के जरिए आप 0-50% सिर्फ 23 मिनट में ही कर सकते हैं चार्ज। और इससे भी अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में हमें 30W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, जिससे आप अपने छोटे छोटे गैजेट्स को स्मार्टफोन के जरिए चार्ज कर सकते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं, स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल देखने को मिल जाती है, ऑनिक्स ब्लैक, ग्लेशियल ग्रीन, अल्ट्रा मरीन ब्लू। और मुझे पर्सनली अल्ट्रा मरीन ब्लू और ग्लेशियल ग्रीन कलर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आपको कौन से कलर ज्यादा अट्रैक्टिव लगे जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। तो
चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं ये स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन अंडर 60,000 ढूंढ रहे थे और साथ ही में एक लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ जिसमें आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाए, एक अच्छी कैमरा सेटअप और साथ ही में एक अच्छी बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाए, तो OnePlus 8 Pro आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आप इंटेंस ग्राफिक्स वाली गेम भी हाई सेटिंग में खेल सकते बिना किसी लैग के, तो ये भी एक अच्छी बात निकल कर आती है OnePlus 8 Pro के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आपकी कोई राय विचार या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।